यह है कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है, बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और यह कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। ये 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है, 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर हैं।